अलैकुम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 7 मक्तस ज्योमेट्री यानी के याम भूमिति पार्ट 2 में हमने अंतर का सूत्र देखा था और उसके अंदर हमने देखा था कि मुसल्लस कौन सी किस्म का है। अब हम मिसाल नंबर 2 देखेंगे कि बिंदु 1 7 ए बराबर 1 7 बी बराबर 4 2 सी बराबर माइनस एक अने डी बराबर -4 4 एक चौरस ना शीरो बिंदुओ छे। चौरस यानी के मुरब्बा तेम दर्शाओ। तो मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि चौरस यानी के जिसकी चारों चार बाजू कैसी होती है सर्किल ए बी सी डी यानी के क्या होता है ए बी बराबर क्या होगा बी सी और बी सी बराबर क्या होगा सी डी और सी डी बराबर क्या होता है ए डी ये बताया था। और इसके अलावा मैंने बताया था इसके भीतर ए सी बराबर किसके होगा बी डी के यानी के इस हिसाब के अंदर हमको कितने हिसाब करने 6 हिसाब हल करने हैं। एक तो हम ए बी काटेंगे दूसरा बी सी काटेंगे सी डी काटेंगे ए डी काटेंगे फिर उसके बाद हम ए सी काटेंगे और बी डी काटेंगे यानी कि टोटल हमको कितने हिसाब हल करने हैं 6 हिसाब हल करने हैं। और हमारा जाप्ता भी कौन सा लगेगा फासले का ही जाप्ता भी हमारा लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि देखो ए बराबर क्या दिया लाए 1 7 फिर क्या दिया लाए बी बराबर कितना है 4 2 सी बराबर क्या दिया है -1 -1 और डी इज इक्वल टू कितना दिया है -4 और 4। तो हम सबसे पहले अंतर का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और अंतर का सूत्र का इस्तेमाल क्या अंतर का सूत्र हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे पहले ए बी लेंगे फिर उसके बाद बी सी लेंगे उसके बाद हम किसको लेंगे सी डी लेंगे ये हमारे 4 अजला हुए। अब उसके बाद जो 2 हिसाब हम करेंगे वो है भीतरों के तो हम सबसे पहले ए सी लेंगे फिर उसके बाद हम बी डी लेंगे नहीं समझ पड़े तो तस्वीर बना लेने की समझ पड़ जाएगी। तो चलो सबसे पहले मैं किसको लाऊंगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जाप्ता लिखता हूँ पहले मैं x1 - x2 पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस y1 - y2 पूरे काउंस की कुवत 2। तो अब हम सबसे पहले किसके नुकात देखेंगे a और b के x1 y1 x2 y2। तो चलो x1 कितना है मेरा देखो x1 एक है माइनस x2 कितना है मेरे पास 4 है पूरे काउंस की कुवत 2। अब देखेंगे y1 कितना है तो 7 माइनस y2 कितना है 2 पूरे काउंस की कुवत 2। चलो एक में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे 3 की कुवत 2 प्लस 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 3 3 है 9 5 5 25 25 में 9 को मिला दो कितने हो जाएंगे 25 9 34 कितना है मेरा ए बी इज इक्वल टू कितना निकला 34 निकला। देखो चौरस है इससे पहले मैंने बता दिया कि चौरस के तमाम बाजू एक जैसी होती है मसावी होती है यानी कि मेरा जितना भी जवाब आएंगे उसकी बाजू के वो तमाम के तमाम सेम होंगे। अब इसके बाद ए बी के बाद हम किसको देखेंगे बी सी स्क्वायर किसको देखेंगे चलो आप किसके नाम देखेंगे हम बी और सी के इसको देखेंगे। चलो उसमें एक्स वन कितना है मेरा 4 है माइनस एक्स टू कितना है -1 पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस वाई वन कितना है मेरा 2 माइनस वाई टू भी कितना है मेरा -1 पूरे काउंस की कुवत 2। चलो प्लस माइनस माइनस ने माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 4 में 1 मिला दूंगी तो 5 की कुवत 2
प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीन की कुवर दो, पाँचे पाँचे पच्चीस, तौन ताली नौ, पच्चीस और नौ की प्लस करूंगी तो कितना जवाब आया, चौंतीस आया। तो बीसी बराबर भी कितना निकला मेरा, चौंतीस निकला। अब मैं किसको देखूंगी, चलो ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, अब किसको देखेंगे हम, सी डी देखेंगे, किसको देखेंगे, सी डी को देखेंगे। तो चलो सी डी इज इक्वल टू, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, देखो सी और डी, तो एक्स वन कितना है, यानी के सी और डी के यहां देखेंगे, तो सी बराबर एक्स वन कितना है मेरे पास, माइनस वन, माइनस कितना है, माइनस चार, पूरे काउंस की कुवत दो, प्लस ए वाई वन कितना है, माइनस एक, माइनस वाई टू कितना है मेरे पास, चार, पूरे काउंस की कुवत दो। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, या माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि चार में से एक जाएगा तो तीन की कुवत दो, और यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो चार में एक मिला दूंगी तो पाँच, तौंताली नौ, पाँचे पाँचे पच्चीस इज इक्वल टू कितना निकला, चौंतीस निकला, यानी कि सी डी इज इक्वल टू भी मेरा कितना निकला, चौंतीस निकला। तो देखो एक दो तीन और चार, अब हमको क्या करना है, जो ए बी भी हो गया, ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, सी डी भी हो गया, देखो तस्वीर के अंदर ए बी, ए बी, बी सी, सी डी, अब हमको जो क्या करने का है, ए डी करने का है, तो अब हम किसके यहाँ देखेंगे, ए के और डी के, किसके यहाँ देखेंगे, ए के और डी के। तो अब मेरा ये एक्स वन होगा और वो मेरा एक्स टू होगा, तो चलो किस तरह आएगा, एक सूत्र के हिसाब से माइनस चार पूरे काउंस की कुवत दो, प्लस सात माइनस चार पूरे काउंस की कुवत दो, ए और डी। तो ए और डी के अंदर भी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो माइनस माइनस प्लस हुआ तो पाँच की कुवत कितनी हो जाएगी, दो, प्लस माइनस माइनस सात में से चार देंगे तो कितने होंगे, तीन होंगे, पाँचे पाँचे पच्चीस, तौंताली नौ इज इक्वल टू पच्चीस और नौ की प्लस करूंगी तो वही मेरा चौंतीस आया, यानी कि चारों चार बाजू के जवाब देखो मेरे चौंतीस चौंतीस, सी डी भी चौंतीस और ए डी भी कितना निकला, चौंतीस निकला। कितने हिसाब हल हुए हमारे, चार हिसाब हल हुए। अब इसके बाद हजू हमको दो हिसाब हल करने हैं, कौन किसके करने हैं, ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, सी डी भी हो गया और ए डी भी हो गया। अब हम किसको करेंगे, वितर ए सी का करेंगे और पी डी का करेंगे। हजू हमको कितने हिसाब हल करने, दो हिसाब हल करने हैं जो हमारे वितर हैं। तो अब हम किसको देखेंगे, ए सी को देखेंगे, चलो ए और सी के यहाँ देखेंगे, ये ए और ये सी, यानी कि एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, जिसको हम फर्स्ट देखेंगे उसके यहाँ हमारे पे बार बार कह रही हूँ अलग होंगे, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू वाई थ्री, ऐसा कोई लेगा नहीं। तो चलो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या है मेरा एक्स वन, एक और माइनस, और यहाँ पर माइनस एक, एक्स वन एक्स टू पूरे काउंस की कुवत दो, वाई वन कितना है सात, सूत्र के हिसाब से माइनस, और वाई टू भी कितना है मेरा माइनस एक, पूरे काउंस की कुवत दो। चलो पीछे माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, मेरी प्लस हुई, एक में एक मिला दूंगी तो दो की कुवत दो, प्लस पीछे माइनस माइनस प्लस, सात में एक मिला दूंगी तो कितने हो जाएंगे आठ, तो दो दूनी चार, आठे आठे चौंसठ, तो चौंसठ में चार मिला दूंगी तो कितने हो जाएंगे सिक्सटी एट,
ये मेरा क्या निकला, ए सी निकला। अब दूसरा क्या चाहता है मेरे को, क्या था बोलो, तस्वीर के हिसाब से देखो, ए बी सी डी, ए सी निकल आया। अब किसको देखेंगे हम, बी और डी को देखेंगे, किसको देखेंगे, बी और डी को। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखेंगे वहां पर सूत्र के हिसाब से लगाएंगे हम कि बी डी बराबर बी डी। तो एक्स वन कितना है, चार, माइनस बी और डी, सूत्र के हिसाब से माइनस चार, पूरे काउंस की कुवर दो। एक्स टू कितना है मेरे पास, दो है, और माइनस चार, कुवर दो। चलो वापस माइनस माइनस प्लस करेंगे हम, तो चार में चार मिला दूंगी तो आठ की कुवर दो, प्लस चार में से दो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, दो बचेंगे, आठे आठे चौंसठ, दो दूनी चार, तो चौंसठ में चार मिला दूंगी तो कितने हो गए, 68 हुए। देखो चार चार अजला जो थे वो भी 34 34 आए, और जो दोनों भीतर है हमारे, ये जो भीतर हमारे है इसके भी जवाब हमारे सेम आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिए हुए जो मकदस है यानी कि जो नुकात है, ये किसके है, मुरब्बे के नुकात है। तो इसके बाद हम जब देखेंगे तो क्या लिखेंगे के, क्या लिखेंगे हम के ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और इसके भीतर क्या लिखेंगे, ए सी बराबर क्या है, बी डी, चार जिलाई के यानी कि जिसके चारों चार जिले कैसे है, यक्षा है, चार जिलाई के क्या नुकात मसावी है, यानी कि चार जिलाई के मसावी है, इसलिए चतुष्कोण इसको कहेंगे ए बी सी डी, ये एक मुरब्बा है। क्या लिखेंगे हम के ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चार जिलाई के तमाम अजला मसावी है, यानी कि तमाम अजला मसावी है, इसलिए ए बी सी डी ये एक मुसलस है। यहाँ पर अजला लिख देना, चार जिलाई के अजला मसावी है, इसलिए ये चतुष्कोण जिसको हम कहते ए बी सी डी ये एक मुरब्बा है, यानी कि चतुष्कोण है। तो पढ़ी समझ आपको कि मैंने क्या किया तस्वीर पे से, कि नहीं समझ पड़े तो तस्वीर बना लेने की, ए बी सी डी ये ए सी भीतर है और ये मेरा बी डी भीतर है। तो सबसे पहले मैंने किसका काढ़ा, ए बी के यहाँ, उसके बाद मैंने किसके देखे, बी सी के देखे, उसके बाद किसके देखे, सी डी के देखे, और फिर कितने काढ़े, ए डी के। चार हिसाब हल करने के बाद फिर दूसरे दो हिसाब मैंने किसके हल करे, भीतर के हल करे, ए सी और बी डी। ना समझ पड़े तो आप तस्वीर बनाकर भी इसको हल कर सकते हैं।